नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं क्रिस कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पीसी से फ़ोन में या अपने फ़ोन से पीसी में वायरलेसली डेटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है और उसी की मदद से आप अनलिमिटेड डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है MX शेयर करो। ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑफ कर देना है, वाईफाई को ऑफ कर देना है। आपको ये भी चेक कर लेना है कि अगर आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन है तो उसे भी आपको ऑफ कर देना है। इन तीनों को दोस्तों आपको याद से ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो ये एप्लीकेशन सही से काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। पहली बार ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ अलाउ एक्सेस बटन पे क्लिक कर देना है और ये ऑल फाइल्स एक्सेस ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन का लिस्ट ओपन होगा, उसी में आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा MX शेयर करो। इस पे क्लिक करना है और इस सेटिंग को आपको यहां से ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पे नीचे कोने में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर टू पीसी, इस पे क्लिक करना है और आपको यहां लोकेशन सर्विस को अलाउ कर देना है। जैसे ही आप लोकेशन सर्विस को अलाउ करेंगे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्टेप वन स्टेप टू। स्टेप वन में लिखा है कनेक्ट योर पीसी टू द फॉलोइंग हॉटस्पॉट और स्टेप टू में है इंटर द फॉलोइंग वेब एड्रेस ऑन योर पीसी ब्राउजर। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और नीचे यहाँ टास्क बार में इंटरनेट के आइकन पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये हॉटस्पॉट आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड्रॉयड शेयर _3631। इस पे आपको क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। ये पासवर्ड पूछेगा, यहाँ मोबाइल में देखिए हॉटस्पॉट के नीचे पासवर्ड दिया है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा पासवर्ड है, तो चलिए मैं फटाफट से पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड के अंदर ये हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा। हॉटस्पॉट दोस्तों जैसे ही कनेक्ट होगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा नो इंटरनेट सिक्योर्ड, यानी कि हॉटस्पॉट कनेक्ट हो चुका है। अब आपके मोबाइल और कंप्यूटर के बीच रिश्ता बन चुका है, यानी कि आपका मोबाइल और कंप्यूटर एक दूसरे से हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में अपने ब्राउजर को ओपन करना है। जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन करना है। ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाना है और यहाँ पे आपको ये जो स्टेप टू में लिखा है वेब एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस उसे आपको वहां पे टाइप कर देना है। यहाँ पे लिखा है http://192.168.238.176:9981। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखना हमेशा लास्ट में आपको कॉलन मिलेगा, डॉट नहीं होगा। बहुत बंदे ये गलती कर देते हैं, वहां भी लास्ट में भी डॉट लगा देते हैं, कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लास्ट वाला कॉलन है, डॉट नहीं है। यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने के बाद ब्राउजर में अब आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और दोस्तों MX शेयर करूंगा इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से अपने मोबाइल में कोई भी फाइल कोई भी डेटा बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फोल्डर है, इसमें दो फोटो है और एक PDF है। इसे अगर अपने मोबाइल में ट्रांसफर करना है तो क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फोटो को पकड़ा और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया और यहाँ पे देखिए फोटो आ गया। इस फोटो को पकड़ा, यहाँ पे लाकर छोड़ दिया, फोटो आ गया। इस PDF को करना है तो उसे भी आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये आपके मोबाइल में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यही पे नीचे देखिए आपको शेयर नाउ का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, एप्स फोटो ऑडियो कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ और कुछ फोटो यहाँ पे मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। देखिए तीन फोटो सिलेक्ट किया, शेयर नाउ पे क्लिक किया। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे ये तीनों फोटो यहाँ पे आ गया, पहला डाउनलोड हो गया। यहाँ अलाउ कर देता हूँ, सारा फोटो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस छोटे से एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में या फिर अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में किसी भी डेटा को बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।